अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के साथ साथ सेंट्रल हिंदू स्कूल या जो भी विद्यार्थी जिस भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये खास करके वीडियो लेकर के आया हूं। आप सभी से गुजारिश है कि कृपया इसे पूरा देखने सुनने का प्रयास कीजिए और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं शुरू करता हूं। ये 50 क्वेश्चंस के सेट में से 6th सेट है। बीच में कल हमने जो 10 क्वेश्चन का सेट डाला था उसको मैं इसमें काउंट नहीं करता हूं, लेकिन ये 50 क्वेश्चन वाले सेट में 6th सेट है। आप कृपया करके अपना टेस्ट खुद से भी ले सकते हैं। ऐसा कीजिएगा, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ के खत्म करता हूं एक क्वेश्चन, वीडियो को वहीं पॉज कीजिएगा और फिर उसके बाद अपना आंसर सोच लीजिएगा। उसके बाद जब मैं आंसर बताता हूं तब फिर आप अपना ये अंदाजा लगाइएगा कि मेरा आंसर जो मैंने गेस किया था वो सही है कि नहीं सही। तो इस तरीके से आपका ज्ञान वर्धन तो होगा ही होगा और उसके साथ आपका नॉलेज टेस्ट भी हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा अगर आपके ज्यादा उत्तर सही होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि 50 क्वेश्चन में से कम 35 से ज्यादा क्वेश्चन आपके सही हो। 35 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप ये मानिए कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। चलिए, इसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्टिव बातें भी बताता चलूंगा जो भी फैक्ट्स इसके साथ छुपे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द इंडियन स्टेट हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द विलेजेस। इसके ऑप्शन है झारखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। मतलब ये है, हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं कि इनमें से भारतीय राज्यों में किसका सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो गांवों में निवास करता है। तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका मैक्सिमम पॉपुलेशन का परसेंटेज जो है गांव में निवास करता है, ये सबसे आगे है इस मामले में। और दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहां का पॉपुलेशन का सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन उसके गांव में निवास करता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को उल्टा मत समझिएगा कि पूरे हिंदुस्तान में कौन सा स्टेट है जिसका मैक्सिमम पॉपुलेशन गांव में रहता है, यह क्वेश्चन दूसरा हो गया। लेकिन किसी का पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का मैक्सिमम परसेंटेज जो गांव में निवास करता है वो क्वेश्चन है ये, उसका मतलब आंसर है बिहार, ठीक है ना। और सेकेंड नंबर पर हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि अशोका द ग्रेट इज नोन फॉर कलिंगा वॉर, इन विच स्टेट द कलिंगा इज लोकेटेड टुडे। इसके ऑप्शंस हैं बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड उत्तर प्रदेश। अशोका द ग्रेट जो कि मौर्य साम्राज्य का बहुत बड़ा और प्रतापी राजा था, उन्होंने कलिंगा युद्ध किया था और उन्होंने इतने खून बहाए थे उसमें कि खून की नदियां बह चली थी। और उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया कि मैं आज के बाद कोई भी लड़ाई और मारकाट नहीं करूंगा, वो प्रॉपर बुद्धिस्ट बन गया। तो कलिंगा आज किस राज्य में स्थित है, ये है स्टेट ऑफ उड़ीसा में, उड़ीसा में है। और इसके नाम पर एक कलिंगा विश्वविद्यालय भी है, कलिंगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, हालांकि प्राइवेट है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। तो कलिंगा जो है ये है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, एक फैक्ट और रह गया कि कलिंगा युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संगमित्रा को बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भी भेजा था। तो ये बातें थी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ हरियाणा। इनमें से हरियाणा का राज्य या राजकीय फूल क्या है। इसके ऑप्शन है लोटस यानी कि कमल, रोडोरेंड्रो, रोज और नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा लोटस। कमल जो है हरियाणा का राजकीय फूल है, ठीक है ना। इस तरीके से सभी स्टेट के जो राजकीय चिन्ह होते हैं, फूल हो, पशु हो, वाक्य हो, गांड हो, कुछ भी हो ऐसा, तो उसको जरूर आप याद करके रखिएगा, क्योंकि कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि हु वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। भारतीय सेना का पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन था। इसके ऑप्शंस हैं जनरल महाराजा रंजीत सिंह, जनरल आर एस खत्री, जनरल के एम करियप्पा और जनरल एस मानेकशॉ। तो इसका सही उत्तर है जनरल के एम करियप्पा। जनरल के एम करियप्पा वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी और भारत को आजाद होते ही इन्होंने ये पद संभाला था। और 1947 में जब हमने पाकिस्तान से युद्ध करा था स्वतंत्रता प्राप्ति के जस्ट बाद,
तो उस समय भी भारत के जनरल यही थे इंडियन आर्मी के, और केएम करियप्पा और जनरल एमएस मानेकशॉ आर द टू जनरल्स इन इंडियन आर्मी जिनको 5 स्टार लगे हैं, बाकी सभी को 4 स्टार लगते हैं जो जनरल्स होते हैं, ठीक है ना। और इंडियन एयरफोर्स में ओनली द पर्सन नेम्ड अर्जन सिंह हु हैज गॉट 5 स्टार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड मदर टेरेसा विन नोबल प्राइज। मदर टेरेसा को नोबल प्राइज है कब सम्मानित किया गया, 1975, 1979, 81 और 82। इसका सही उत्तर है 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, नवाजा गया नोबेल पीस प्राइज से, क्योंकि इन्होंने दीन दुखियों की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, पूरा जीवन लगा दिया। अपने जीवन काल के लगभग इन्होंने 40 वर्ष से ज्यादा कोलकाता में गुजारे और भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में जाकर के दीन दुखियों की सेवा करती रही है। इन्हें सेंट ऑफ गटर्स भी कहा जाता है। 1980 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, तो याद रख लीजिए। ऑल्दो शी वॉज अ नॉन इंडियन, वो इंडियन नहीं थी लेकिन भारत में आई थी बहुत कम एज में और उसके बाद भारत में ही रह गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि विच इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत में कॉफी प्रोड्यूस करने वाला, सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करने वाला राज्य कौन सा है। इसके ऑप्शंस हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है कर्नाटका। कर्नाटका इज द स्टेट वेयर प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इज द हाईएस्ट, और पूरे इंडिया में जितना कॉफी का प्रोडक्शन होता है उसका 71% कर्नाटका प्रोड्यूस करता है, बाकी 21% जो है सेकेंड नंबर पर केरला प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। केरला, केरल जिसे मसालों का बागीचा भी कहा जाता है, और कर्नाटका में चंदन की लकड़ी बहुत मिलती है। बीरप्पन आपको याद होगा, बहुत हम लोग तब बहुत छोटे थे, शायद तीसरी चौथी में पढ़ता था मैं, तब बीरप्पन की हत्या हुई थी। बीरप्पन चंदन की तस्करी करता था, ठीक है ना। उसके ऊपर मूवी भी बनी है एक, मूछ वाला, वो मूछ के लिए फेमस था, बहुत अच्छी और खूबसूरत मूछें थी उसकी, बीरप्पन की, चंदन तस्कर बीरप्पन बोलते थे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, इट सेज कि डीआरडीएल स्टैंड्स फॉर। इसके ऑप्शंस हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, डिफरेंशियल रिसर्च एंड डेमोन्स्ट्रेशन लेबोरेटरी एंड नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर होगा डीआरडीएल का जो फुल फॉर्म है, ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और 1985 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी एंड इट इज लोकेटेड देयर इन हैदराबाद। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह इनिशिएटिव लिया गया था, जहां पर मिसाइल जैसे प्रोग्राम्स का टेस्ट किया जाता है, परीक्षण ये किया जाता है, डेवलप किया जाता है, और इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, जो कि हैदराबाद में है, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है कि मिस्टर एच जे कान्या, मतलब हीरालाल कान्या, वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड विच पोजिशन। मिस्टर हीरालाल कान्या को सबसे पहला पोजिशन किसका प्राप्त हुआ था इनमें से, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मिस्टर हीरालाल कान्या। और ये समझिए इन्होंने पढ़ाई कहां से की थी, अपने लॉ की डिग्री ली थी जीएलसी मुंबई से, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से, जो कि आज भी बहुत बढ़िया लॉ कॉलेज है, और यहां अगर पढ़ने का मौका मिलता है, अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो जरूर इसका एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है ये, यहीं से इन्होंने पढ़ाई करी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर कौन है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। इसके ऑप्शंस हैं रमेश पोखरियाल निशंक, ओम बिरला, एम थंबीदुराई, राजवर्धन सिंह राठौर। इसका सही उत्तर है ओम बिरला। ओम बिरला इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा और ये राजस्थान के कोटा से सांसद हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, यू मस्ट रिमेम्बर इट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का इनमें से कौन सा फीचर है। इसके ऑप्शंस हैं सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी,
डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और सिंगल सिटीजनशिप। तो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ही है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है ना, पावर को बांटना अलग अलग हिस्सों में ताकि गवर्नमेंट की जो रनिंग हो स्मूथ हो, सबको पावर देना, स्टेट हो, सेंटर हो, विलेज पंचायत हो, जिला परिषद हो, इन सबके पास अपनी अपनी पावर होती है, इंडिपेंडेंट पावर होती है, और ये फेडरल सिस्टम में किया जाता है। कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि भारतीय संविधान में जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लाया गया है, लिखा गया है, वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई वॉन्ट इट। अगला क्वेश्चन है कि यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ, इसके ऑप्शंस हैं अल्टरिंग ह्यूमन बीइंग्स बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट्स, पीपल ऑफ यूरोपियन ऑरिजिन, डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड एंड जेनेटिक ऑफ प्लांट। यूजेनिक किस चीज का अध्ययन है, तो इसका सही उत्तर होगा अल्टरिंग ह्यूमन बीइंग्स बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट्स। यूजेनिक्स किस चीज का अध्ययन है, यह है ह्यूमन बीइंग्स के जीन को अध्ययन करने का चीज, उसको अल्टर करने का। इसका मुख्य जो मकसद होता है वो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन होता है, और इसकी खोज या इसका आविष्कार जो है 1880 में फ्रांसिस गैल्टन ने किया था। फ्रांसिस गैल्टन वॉज द पर्सन हु डिस्कवर्ड यूजेनिक्स इन द ईयर 1880, 1880 में खोज की थी इसकी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज कि ओजोन जिसको कि O3 से रिप्रेजेंट करते हैं, लेयर्स प्रोहिबिट्स, हमें किस चीज से बचाता है ओजोन। इसके ऑप्शन हैं विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, एक्सरे एंड गामा रेस, एंड यूबी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इसका सही उत्तर है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और ओजोन जो है वो एटमोस्फियर में 20 से 30 किलोमीटर की दूरी के बीच में होता है, एक परत है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। यह भी याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है कि ओजोन कौन से स्फीयर में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है ना। तो ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि बहुत ही हार्मफुल रेडिएशन है, जिससे हमें स्किन कैंसर, हमें या जानवरों को भी हो सकता है, तो दैट इज वाई ये जो ओजोन है ये हमें प्रोटेक्ट करता है इससे, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह वॉज, इसके ऑप्शन है 10th गुरु ऑफ सिक्स, फाउंडर ऑफ खालसा, ऑथर ऑफ दसम ग्रंथ और ऑल ऑफ द अबोव। तो गुरु गोविंद सिंह इनमें से क्या क्या थे भाई? हाँ, तो सिखों के 10वें गुरु भी थे, खालसा की स्थापना भी उन्होंने करी थी और दसम ग्रंथ भी लिखा था, इसलिए जो उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी इज 100% करेक्ट। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और 352वां प्रकाश वर्ष जो अभी मनाया गया था पटना में, क्योंकि इनका जो जन्म था वो पटना में ही हुआ था, पटना सिटी में इनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, और ये इनकी मृत्यु हुई थी नांदेड़ में जो कि महाराष्ट्र में था, और उस समय क्रूर अत्याचारी राजा मुगल शासक औरंगजेब जो इनके पिताजी को भी गुरु तेग बहादुर को भी मारा था दिल्ली में, और उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह को भी मारा था नांदेड़ में, लेकिन इन्होंने बहुत सारा काम किया और इन्होंने कभी भी जीते जी इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, दैट इज वाई इनको मुगल शासक औरंगजेब ने ये कड़ी हत्या की। आगे चलते हैं, वेयर इज द दूध सागर वॉटरफॉल लोकेटेड इन इंडिया, इनमें से दूध सागर वॉटरफॉल या जलप्रपात कहां पर है। इसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, एट द बॉर्डर ऑफ गोवा एंड कर्नाटका, गुजरात और राजस्थान। इसका सही उत्तर है एट द बॉर्डर ऑफ गोवा एंड कर्नाटका। बेसिकली जो दूध सागर जलप्रपात है वो वैसे एक्चुअली में गोवा में ही है, मांडवी रिवर के ऊपर वो रिवर है जहां पर गोवा की राजधानी पणजी बसा है, और मांडवी रिवर के ऊपर ही दूध सागर जलप्रपात भी है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। ऐसे एक दो क्वेश्चन जरूर कभी भी और किसी एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहां से क्या जीके का प्रश्न आएगा, क्योंकि इतना इसका एरिया जो है इतना ज्यादा बड़ा है कि सब कुछ कवर करना इतना आसान नहीं है। इसलिए हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं और जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ही ज्यादा हमारा ज्ञान बढ़ता रहता है, और वही चीजें हमारी काम भी आती हैं। FTII 15th क्वेश्चन कह रहा है कि FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, इसके ऑप्शंस हैं पुणे, राजकोट गुजरात, पेरम्बदूर तमिलनाडु एंड पिंपरी महाराष्ट्र। इसके
सही उत्तर जो है एफटीआईआई इज लोकेटेड देयर इन पुणे, पुणे में है और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, 1960 में। यह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में आता है और इसके एलमनाई के नाम गिनाना शुरू करता हूं तो जया बच्चन जो अमिताभ बच्चन की पत्नी है वो उन्होंने वहीं से पढ़ाई करी है, मिथुन चक्रवर्ती ने वहीं से पढ़ाई करी है, कुलभूषण खरबंदा को जानते होंगे जो काफी बूढ़े हो चुके हैं बट ही इज अ ग्रेट एक्टर तो उन्होंने भी पढ़ाई यहीं से करी है, शबाना आजमी जो कि जावेद अख्तर की वाइफ है शी इज ऑल्सो अलमनाई ऑफ दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन। और अगर आपको भी टॉम अल्टर बहुत बड़े कलाकार हैं वो भी यहीं से पढ़ाई किए हुए हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि फिल्म टेलीविजन एक्टिंग की दुनिया में जाऊं कदम रखूं इन सब चीजों में शौक रखते हैं तो जरूर आप यहां पर जाके पढ़ाई कर सकते हैं FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इट इज अ ग्रेट इंस्टीट्यूट। और अपना NSD है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि नई दिल्ली में है, ये भी दोनों बहुत ही अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विच ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द हार्ट, इनमें से कौन सा ब्लड कैरी करने वाला एक लार्ज वेसल है जो हमारे हृदय से ब्लड को लेकर के जाता है अलग बॉडी पार्ट में। इसके ऑप्शंस हैं वीन्स, कैपिलरी, आर्टरी और नर्व। तो इसका सही उत्तर है आर्टरी। आर्टरी जो है हमारे हार्ट से ब्लड लेकर के अलग टिश्यूज बॉडी के अलग पार्ट्स के टिश्यूज में लेकर के जाता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है जिससे हमारे बॉडी पार्ट सेल्स और टिश्यूज को भी ऑक्सीजन मिलते हैं ब्लड के थ्रू। तो ये याद रख लीजिएगा आर्टरी हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के अलग बॉडी पार्ट में जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में नहीं आता है या उनका मेंबर नहीं है। इसका ऑप्शन है थायमिन, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन और एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका सही उत्तर है गेस कीजिए एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो साइंटिफिक नेम है विटामिन सी का, बाकी थायमिन, फोलिक एसिड और राइबोफ्लेविन ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ही मेंबर हैं, ठीक है ना। तो ये भी याद रख लीजिएगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये रोग होता है स्कर्वी और जो कि सेलस डिजीज भी जिसको कहते हैं, हमारे मसूड़ों में खून निकलने लगता है, उसी के साथ साथ जब हमें कुछ घाव होता है या कट लगता है शरीर में तो वो खून बंद जल्दी नहीं होता है, घाव बहुत देरी से भरते हैं विटामिन सी की कमी से और ये खट्टे पदार्थों में ज्यादा पाया जाता है इसलिए हमें खट्टे चीजों भी खाते रहना चाहिए। आंवला इसका बहुत बड़ा सोर्स है विटामिन सी का और विटामिन बी जिससे जिसके कारण बेरी बेरी रोग होता है और विटामिन बी के कई सारे मेंबर्स हैं बहुत सारे तो उन सब चीजों को भी हमें खाना है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अ येलो डस्ट अपीयर्स ऑन द फिंगर्स व्हेन एवर वी टच द मिडिल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, दिस डस्ट आर वेरी प्रीशियस पार्ट, इट्स नेम इज स्पोर, पोलन, स्पर्म और स्पोरोसिस्ट। इसका सही उत्तर है पोलन। पोलन ग्रेन्स देखो बेसिकली क्या होते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म है जिनके नेकेड सीड्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स प्लांट होते हैं ना एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स, तो जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट सीड जो होते हैं वो नेकेड होते हैं और वो पोलन ग्रेन कंटेन करते हैं। बेसिकली ये जो है ठंड इलाकों में होते हैं हाई अल्टीट्यूड में पाए जाते हैं जैसे देवदार हो गया, सीडर हो गया, चीड़ हो गया, पाइन हो गया, फर हो गया, इन सब पेड़ों पे पोलन ग्रेन्स लगते हैं तो वो पीले निकलते हैं झड़ते हैं वो ठंड के दिनों में बेसिकली, तो उस समय उनका रिप्रोडक्शन सीजन चल रहा होता है इनफैक्ट, तो दिस इज कॉल्ड पोलन, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा पोलन और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे अच्छे यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है NDS CDS जैसे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 19 से इसकी विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल, इनमें से कौन सा शरीर का पार्ट है हिस्सा है जो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। इसके ऑप्शन है गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, किडनी और लीवर। तो ये प्रोड्यूस किया जाता है हमारे लीवर के द्वारा, लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, ठीक है ना, और जो कि हमारे पाचन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जो हमें जॉन्डिस बीमारी होती है वो हमारे लीवर को ही अफेक्ट करती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच बैकवेरल,
रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी, लुइस पाश्चर ने क्या ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी, या विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी क्या? यही हमें जानना है कि कौन सा उत्तर गलत है। तो इनमें से ऑप्शन सी जो है ये गलत है। बाकी बैकविरल ने रेडियो एक्टिविटी की भी खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की भी खोज की थी, लेकिन ब्लड ग्रुप की खोज लुइस पाश्चर ने नहीं की थी। लुइस पाश्चर ने तो खोज करा था पास्टराइजेशन का, जो मिल्क हम आज स्टोर करते हैं ज्यादा समय तक, उसकी खोज लुइस पाश्चर ने की थी, और ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर वॉज द पर्सन हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स ABABO, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ बॉडी इज प्राइमरीली अटैक्ट बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के द्वारा हमारे शरीर का कौन सा सिस्टम सबसे पहली बार अटैक किया जाता है। इसके ऑप्शन है कार्डियोवास्कुलर, इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और रिप्रोडक्शन। इसका सही उत्तर है इम्यून सिस्टम। HIV जो है इसका वायरस सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, और इसलिए जिस किसी को भी एड्स अगर होता है तो वो बहुत जल्दी उससे प्रभावित होता है, उसके हेल्थ पे दिखना शुरू हो जाता है। इट इज वेरी डेंजरस डिजीज। क्वेश्चन नंबर 22, ये कह रहा है कि विच ऑफ द सेल ऑर्गेनली इज नोन एज सोसाइडल बैग ऑफ द सेल। इनमें से कौन सा सेल का वो छोटा सा हिस्सा या पार्ट सोसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज और न्यूक्लियोली। इसका सही उत्तर है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड द सोसाइडल बैग ऑफ द सेल। इट इज 100% करेक्ट आंसर। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सोसाइडल बैग ऑफ द सेल। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 23, ये कह रहा है कि एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म यूरिया। अगर हमारे शरीर में अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं तो वो तोड़ दिए जाते हैं किसमें, यूरिया के फॉर्म में। ये काम कौन सा बॉडी पार्ट हमारा करता है यही हमें बताना है। इसके ऑप्शन है किडनीज, स्प्लीन, लीवर और रेक्टम। इसका सही उत्तर है किडनीज। और हमें कृपया करके बिना गूगल किए कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि यूरिया कहां बनता है, हमारे बॉडी के किस पार्ट में बनता है। ये तोड़ा तो जाता है किडनी के द्वारा अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए अमीनो एसिड जो है यूरिया बनने के लिए, लेकिन यूरिया कहां पे प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी पार्ट में, ये लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी एंड ओशियंस। समुद्र की गहराई नापने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है। इसके ऑप्शन है ग्रेविमीटर, फैथोमीटर, ग्रायोमीटर और डायलेटोमीटर। इसका सही उत्तर है फैथोमीटर, ठीक है ना। फैथोमीटर इज द नेम ऑफ द डिवाइस विच मेजर्स द डेप्थ ऑफ द सी एंड ओशंस। इट इज 100% करेक्ट आंसर ओवर हेयर। और 1929 में यह पहली बार परीक्षण किया गया था न्यूजीलैंड की नेवी के द्वारा, और फैथोमीटर। और इसमें कैसे किस विधि से नापते हैं कि समुद्र की गहराई कितनी है कितनी है, तो जो इको होता है ना, इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो उसी के द्वारा वो डिवाइस होता है जो एक इको छोड़ता है, वो समुद्र की गहराई तक जाता है, और जहां कहीं भी सॉलिड वस्तु मिलती है या उसका सतह मिलता है वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापिस आता है, और जितने समय में आता है फिर हम स्पीड ऑफ साउंड के साथ कैलकुलेट करके ये माप लेते हैं, ये पता लगा लेते हैं कि कितना गहराई है इस जगह का, इस समुद्र का या ओशंस का, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। रेजिस्टिविटी का साइन जो होता है वो होता है रो, ठीक है ना। रो कुछ इस तरह से लिखते हैं, ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो रो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, ये है आर, वेयर आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, ए स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एल स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ द वायर। तो इनमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा फॉर्मूला सही है रेजिस्टिविटी का। तो फॉर्मूला नंबर जो वन है R इंटू ए अपॉन एल, ठीक है ना, बिकॉज रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो जब दोनों फॉर्मूला को, दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है R A अपॉन एल, ठीक है ना।
तो इट इज 100% करेक्ट आंसर ओवर हेयर, डू मार्केट. क्वेश्चन नंबर 26, ये कह रहा है कि विच अलॉयज आर यूज टू मेक द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल एंड गीजर्स. इनमें से कौन से अलॉयज को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने में, बेसिकली आयरन हीटर और केटल गीजर्स. तो इसका सही उत्तर है कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, मैगनिन और ऑल ऑफ दीज. इसका सही उत्तर है तीनों के तीनों ही, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम और मैगनिन, तीनों के तीनों यूज किए जाते हैं इन सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बनाने में, ठीक है ना. अगला क्वेश्चन हो रहा है क्वेश्चन नंबर 27 कि सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग व्हाट, सोलर सेल्स, टेस्टर्स, गीजर्स और रूम हीटर्स. इसका सही उत्तर है सोलर सेल्स. अच्छा, सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं? सेमीकंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस बेसिकली जो ना ही तो हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज्यादा कंडक्ट करते हैं और ना ही इंसुलेट करते हैं. दे आर नीदर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉर गुड इंसुलेटर्स. वो बीच वाले होते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सोलर कंडक्टर्स. और इसीलिए सोलर सेल्स में यूज किए जाते हैं, क्योंकि अब अगर कंडक्टर होंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन फ्री में घूमेगा, अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो दे विल डाइवर्ट द पाथ जो कि सोलर से हमें प्राप्त होता है, तो फिर उन सब चीजों को यूज करने में दिक्कत होगी. दैट इज वाई दे आर यूज इन सोलर सेल्स सेमीकंडक्टर्स. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ गया. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का इनमें से कौन सा एसआई यूनिट है? इसके ऑप्शन है कूलम, वोल्ट, वॉट और मीटर. इसका सही उत्तर है वॉट, ठीक है ना. इलेक्ट्रिक पावर को कैसे आप डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज वॉट, पावर, है ना, जूल पर सेकेंड. जूल पर सेकेंड को लिखेंगे वो वॉट आएगा, एनर्जी अपॉन टाइम इज द फॉर्मूला. आप निकाल सकते हैं खुद भी. अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये कह रहा है कि ओम इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग. ओम किस चीज की यूनिट है मेजर करने की? इसके ऑप्शंस हैं वोल्टेज, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस और नन ऑफ दीज. इसका सही उत्तर है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को जो है वो ओम में मापा जाता है. इसका साइन कुछ इस प्रकार से होता है, देखो इस तरीके से, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में. क्वेश्चन नंबर 38, ये कह रहा है कि हु इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स. हमारा जो यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपेंड हो रहा है, ऐसा थ्योरी किसने दिया था? इसके ऑप्शंस हैं एडविन हबल, एस चंद्रशेखर, नील बोर और सीवी रमन. इसका सही उत्तर है एडविन हबल. एडविन हबल ने 1929 में यह सिद्धांत दे दिया था और बता दिया था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो लगातार बढ़ रहा है, एक्सपेंड कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु इज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजक न्यूटन, जेसी बोस और जे थॉमसन. इसका सही उत्तर है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी. प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने. प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने. देन न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? वो उनका नाम था जेम्स चैडविक, ठीक है ना. तो इन तीनों को याद रख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस जरूर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आपको तैयार रहना होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किस किसने की थी. जो भी मैं बोलता हूं उसका नोट्स बनाते चलिए, बहुत काम आएगा बाद में रिवाइज करने में. व्हाट इज द अपथ्रस्ट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड नोन एज. इसके ऑप्शंस हैं टेंजेंशियल फोर्स, बायोंट फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और हाइड्रोलिक फोर्स. इसका सही उत्तर है बायोंट फोर्स. और ये जो सिद्धांत है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आपको याद होगा, इसी के उस पे सारे नाव, स्टीमर्स काम करते हैं और चलते हैं और तैरते हैं. ये होता है कि हम जितना बल पानी के अंदर लगाते हैं, जब किसी वस्तु को जितना भी भार के साथ उसे दबाया जाता है, उतना ही बल के साथ, उतना ही फोर्स के साथ वो जो पानी है उस वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है. दैट इज कॉल्ड बायोंट फोर्स. और इसे ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कहते हैं. अगला क्वेश्चन है द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड. 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? ऑडियो साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड या सुपरसोनिक साउंड. इसका सही उत्तर है हमारा इंफ्रासोनिक साउंड. इंफ्रासोनिक साउंड इज 100% करेक्ट आंसर.
द साउंड फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज हर्ट्ज, ठीक है ना। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसके ऑप्शन है सोलर सेल, बैटरी, लाउड स्पीकर और इलेक्ट्रिक मोटर। इसका सही उत्तर होगा बैटरी। बैटरी जो है जो गाड़ियों में, कार में, हर जगह यूज किया जाता है, टॉर्च में, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आप देखिएगा अगर उसके अंदर बैटरी के अंदर तार लगाएंगे तो बल्ब भी जल जाएगा, है कि नहीं। बचपन में बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं, पेंसिल से ले लेके हम लोग बल्ब जलाते थे, आप भी करना, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन इज कॉल्ड, किसी वस्तु के स्थान के कारण उसकी ऊर्जा को क्या कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका सही उत्तर है आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जी, MgH होता है, ठीक है ना। MgH इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, इसका होता है हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम इज इक्वल्स टू मास, ठीक है ना, वी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, एन स्क्वायर इज द फॉर्मूला। याद रख लीजिएगा, ये सब चीजें बहुत काम आएगी न्यूमेरिकल्स बनाने में। गलती से एक भी न्यूमेरिकल आ गया ऐसे छोटे मोटे एग्जाम में तो फिर पंगे में डाल देगा, अगर चीजें याद नहीं है आपको तो। क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड इट्स एनर्जी इज इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेंस कॉन्स्टेंट और फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। जब किसी वस्तु को फ्रीली ग्राउंड पे गिराया जाता है तो उसकी ऊर्जा को क्या होता है, रिमेंस कॉन्स्टेंट। क्यों, क्योंकि ऊर्जा जो है इट इज नीदर, इट कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना, नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड वाली बात है। ऊर्जा तो है हमारी सारी की सारी सेम होती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, दैट इज द ओनली थिंग, याद रख लीजिएगा। वन हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू, एक हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है, 720, 730, 746 या 740। इसका सही उत्तर है 746, 746 वॉट इज द अमाउंट इन वन हॉर्स पावर। और वन हॉर्स पावर क्या होता है भाई, जैसे चीजों को नापते हैं हम लोग ना, जैसे मोटर होता है घर में आपके चलता होगा कहीं, समरसिबल वाला मोटर या फिर थोड़ा बड़ा वाला मोटर जो होता है वो हॉर्स पावर में उसकी गिनती होती है, ठीक है ना, एचपी बोलते हैं उसको, तो वो होता है हॉर्स पावर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 से कि विच ऑफ दीज हैज पीएच वैल्यू 7, इनमें से किसका पीएच वैल्यू जो है वो 7 है। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल वालों को टेस्ट करने के लिए पीएच स्केल होता है जो कि 0 से लेकर के 14 तक होता है, और 7 से पहले वाले एसिडिक होते हैं, 7 के बाद वाले बेसिक होते हैं। तो इनमें से कौन सा जिनका पीएच वैल्यू 7 होता है, प्योर वाटर, बेसिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन और एसिडिक सॉल्यूशन। इसका सही उत्तर होगा आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जो है वो होता है 7। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारा जो ब्लड है उसका पीएच वैल्यू कितना है, बिना गूगल किए हमें कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी भाई आपकी। क्वेश्चन नंबर 39 सेज कि हु डिस्कवर्ड डीएनए, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का आविष्कारक कौन था। तो इसके सही उत्तर क्या है सीधा बता देता हूं, आपने ये ऑप्शंस तो देख ही लिए होंगे, मन में भी गेस कर लिया होगा, अब मैं फटाफट आंसर ही बता देता हूं। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक इनको शॉर्टकट में कहते हैं, हु डिस्कवर्ड डीएनए, क्लास 9th में पढ़ा था पहली बार। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रल और मेडुला। ये सारे के सारे पार्ट जो हैं हमारे ब्रेन के पार्ट हैं, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा पार्ट हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है रादर। इसका सही उत्तर है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41, एड्स इज कॉज्ड बाय एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय वाटर, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस। तो ये है हमारा वायरस से होता है एड्स, द ड्रेडफुल डिजीज, बहुत ही गंभीर बीमारी, घातक बीमारी। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि हाउ मेनी बोन्स एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, एक नौजवान नवयुवक का जो स्केलेटन है उसका कंकाल है उसमें कितनी हड्डियां होती है टोटल। आपने ये देख लिए होंगे सारे के सारे ऑप्शंस, 204, 206, 208 और
14, लेकिन इसका सही उत्तर है 206। 206 हड्डियां होती है हमारे शरीर में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ये कह रहा है कि अ यूनिवर्सल ब्लड डोनर पर्सन हैज ब्लड ग्रुप ए, ए बी, ओ या फिर बी, कौन सा यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहा जाता है किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप में से। तो ये है ऑप्शन सी, दैट इज ओ। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव, इसको नेगेटिव कर देता हूं मैं, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज मत होइएगा, ये नेगेटिव है बिल्कुल 100% याद रख लीजिएगा इसको। ओ नेगेटिव इज द ब्लड ग्रुप जो कि यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी खून दे सकता है, और ए बी जो है ए बी किसी से भी खून ले सकता है, बड़ी आजादी है। लेकिन ओ नेगेटिव वाले पर्सन जो है पूरे इस धरती पे 5% भी नहीं होते हैं, आप ये समझ लीजिएगा, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेम द ग्लैंड विच कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर, थैलेमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैंक्रियाज। तो इसका सही उत्तर है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल, ठीक है ना। और ये कहां पे होता है, ये हमारे किडनी से ठीक ऊपर में होता है, इट इज अ काइंड ऑफ और इट इज इट कम्स अंडर एंडोक्राइन सिस्टम, एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि नेम द डिवाइस थ्रू विच द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल्स व्हील इज मेजर्ड। इनमें से कौन सा डिवाइस है जो गाड़ियों में चलने वाले चक्के को कितना चल गया या उनका द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया गया ये मापता है। इसके ऑप्शंस हैं एक्यूमुलेटर, आमीटर, एनीमोमीटर और ऑडोमीटर। इसका सही उत्तर होगा, आपने जान लिया होगा, दिस इज नथिंग बट ओडोमीटर। ओडोमीटर इज द डिवाइस जो कि गाड़ियों द्वारा चली हुई डिस्टेंस को माप लेता है। क्वेश्चन नंबर 46 की हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। अभी वर्तमान में झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही उत्तर है हेमंत सोरेन जो कि शिबू सोरेन के पुत्र हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा इनकी पार्टी है और अभी अभी लगभग 1.5 महीने हुए हैं इनको चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है ना। बीजेपी को बड़ा हराया इन्होंने। द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज पोर्ट ब्लेयर, कावारती, सिलवासा और कोची। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती जो कि टापू है। लक्षद्वीप बेसिकली जो नाम पड़ा था 1 लाख द्वीप थे, लेकिन अभी फिलहाल 1 लाख द्वीप है नहीं वहां पर, लगभग 36-37 की संख्या में है। मैं यहां गया हूं, मैं कावारती में लगभग 12 दिन रहा हूं एनसीसी कैंप में और कोची से शिप में 14 घंटे की दूरी पर गया था, पूरे समुद्र में पहली बार यात्रा करके बड़ा मजा आया था। इंडियन नेवी की वो शिप थी और अगर आपको कभी मौका मिले तो समुद्र में यात्रा कीजिए, बड़ा ही आनंद और सुखदायी होता है। चारों तरफ कुछ नहीं, सिर्फ जल ही जल, बड़ी बड़ी मछलियां और टर्टल्स वो तैरते हुए जब दिखेंगे तो क्या अच्छा अलग अनुभूति होती है। क्वेश्चन नंबर 48 सेज कि नेम द लार्जेस्ट मैमल ऑन द प्लैनेट, एलिफेंट, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन और ऑक्टोपस। सही उत्तर है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल ऑन द प्लैनेट। नेक्स्ट वन इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड इज गैंगटॉक, दिसपुर, कोहिमा और इम्फाल। इसका सही उत्तर है नागालैंड की राजधानी कहां है भैया, कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की कहां है मुझे बता देना जरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की राजधानी लिख के बताना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द क्वेश्चन ऑफ द डे, द फेमस एथलीट पीटी उषा हेल्स फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, ओडिशा, केरला और कर्नाटका। तो पीटी उषा जो कि बहुत ही उड़न परी के नाम से भी इनका जाना जाता था, तो ये रहने वाली थी केरला की, ठीक है ना, केरला की रहने वाली थी पीटी उषा। इनका फुल फॉर्म बताऊंगा तो बड़ी हंसेंगे आप, पिलुवाल कंडी टेका परविल उषा इनका पूरा नाम था, पिलुवाल कंडी टेका परविल उषा। और केरला के पॉली बीच पे ये घर से 2 घंटे बस में ट्रेवल करके रोज प्रैक्टिस करने जाती थी दिन दिन भर, और उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर ये सब रेसेस को इतना सारा जीता है, बहुत सारा जीता। हालांकि ओलंपिक मेडल इन्होंने हासिल नहीं किया है आज तक, एशियन गेम्स में लिया है, बट शी वॉज और शी इज अ ग्रेट एथलीट। अभी थोड़ी एज्ड हो गई हैं बट शी इज स्टिल द इंस्पिरेशन ऑफ 1000 यंगस्टर्स इन इंडिया। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, उम्मीद है कि काफी ज्यादा ज्ञानवर्धक रहा यह वीडियो आप सभी के लिए। कृपया करके इसे शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक, पसंद कीजिए
और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी यहीं से शुरू हो जाती है। चाहे बीएचयू की कर रहे हो, सेंट्रल हिंदू स्कूल की कर रहे हो, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कर रहे हो, जामिया मिलिया की कर रहे हो, जेएनयू की कर रहे हो, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में जहां पर आपके जीके एंड करंट अफेयर्स के सवाल आते हैं, जरूर इसे जानिए, पहचानिए और आपका ज्ञानवर्धन भी होता रहे, क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस साइंस के भी हो जाते हैं। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर बैड फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड लक एज ऑलवेज। नमस्कार। जहां भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बिकॉज दैट इज द मेन मोटिव यू शुड हैव। थैंक यू वेरी मच।